हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। और कोई भी अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी दबा के रख दीजिए, इससे आपको हमारा सभी वीडियो का नोटिफिकेशन चला जाएगा। आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे आपके रैबिट को जो हे है वो कैसे साफ सुथरा दे सकते हो, उसमें जो डस्ट है उसको कैसे निकाल के आप उसको दे सकते हो। आप वीडियो में देख पा रहे हो जो चीनों की हे है उसको मैं एक बास्केट में लेके अच्छे से उसको साफ़ किया है, उसका जो डस्ट है वो निकल रही हो और उसको अलग करके रख रहे हैं, बिकॉज उसमें जो डस्ट है वो बहुत ज़्यादा ही है। उससे उसको खाने से हर रैबिट को छींके आता है, उसका सांस में जाएगा तो वो भी दिक्कत हो सकता है। बट आप देख पा रहे हो चिड़ी वो अच्छे से खा रहा है, वो यही करता है, उसको वो डांस खाना पसंद है। बट मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगी, आप कभी भी आपके रैबिट को ये डांस नहीं दो तो ही अच्छा है, बिकॉज वो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। आप जब भी आपके रैबिट को हे दो तो उससे पहले उसको अच्छे से झाड़ के अच्छे से साफ करके उसके बाद ही उसको दो तो ही अच्छा। बट मैं अभी काम कर रही हूँ तो इसलिए उसको नहीं हटा पा रही हूँ, उसको बहुत बार हटाने की कोशिश किया जा रहा है गया है बट वो नहीं हट रहा है, वो वहीं पर है, वो खा रहा है डांस से, कभी यहाँ से कभी उधर से खा रहा है, वो ऐसा ही करते हुए एक नंबर का बदमाश है। तो ऐसे ही खाना उसको अच्छा लगता है। हर हे में थोड़ा बहुत डस्ट होता है बट इस जो मैं हे मंगाया था तिमोथी है इसका एक वीडियो भी है, उस वो हे में ज़्यादा ही डस्ट था तो इसलिए मुझे वो हे को अच्छे से साफ करके उसको देना पड़ रहा है, बिकॉज वो जब मैं नहीं साफ करके उसको दे दिया था तो उससे उसको बहुत छींके आ रहा था, तो दिक्कत हो रहा था, इसलिए मैं उसको अच्छे से झाड़ के उसको दे रही हूँ। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो भी डाल देती हूँ तो आप लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा, आप भी ऐसे ही आपको रैबिट के लिए आप जो हे देते हो उसको अच्छे से साफ करके उसको दे पाओगे। तो आप नहीं देते हो तो प्लीज़ आपके रैबिट को भी ऐसे ही अच्छे से वो दास आप निकाल के उसको दो तो उसके लिए अच्छा होगा। आप देख पा रहे हो वो साइड में मैं जो छोटा छोटा स्टिंग है उसको अलग करके रखी हूँ, बिकॉज उससे मैं कुछ और ही करूँगी, उससे क्या करूँगी तो मैं बाद में देखती हूँ, उसमें उसको कुछ बना के दूँगी खाने के लिए। और जो चेरी है वो इधर उधर से घूम घूम के आ रहा है, एक बार इधर मेरे आस पास जा रहा है, भाग रहा है, एक बार हे खा रहा है, वो ऐसे ही बदमाशी करता रहता है। जब भी मैं कोई काम करती हूँ तो ये वो इधर उधर घूमता है, और मैं उसका हे को लेकर जब कुछ करती हूँ उसका हे का टॉय बनाऊँ और उसका हे को ऐसे साफ करूँ जो भी करती हूँ तो वो ऐसे ही खाता लगता है, वो ऐसे खाता है, घूमता है आस पास, मेरे से बदमाशी करता है, उसका ही काम। आप हे को कैसे खा रहा है, एक बार इधर उधर, एक बार यहाँ से, एक बार वहाँ से खा रहा है। अभी वो इसको वहाँ पर जा रहा है तो उसको हटा रहा है तो वो हट भी नहीं रहा है, तो हटा दिया है तो वो आप देखो पीछे जाके बैठ गया है, उधर छुप के बैठ गया है, बदमाश बच्चा है। देखो आप कितना ज़्यादा उसमें से डांस निकल रहा है इस ये में से, ये खाएगा तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, तो आप देख ही पा रहे हो इतने से ये में से कितना ज़्यादा डांस निकल रहा है। तो मैं बहुत अच्छे से उसको साफ़ कर रही हूँ, आप भी आपके रैबिट को देने के पहले हर हे को ऐसे ही साफ़ कर लीजिए तो उसके लिए अच्छा होगा। वो अभी भी पीछे बैठा हुआ है, मेरा सभी हे को झाड़ना हो गया है, थोड़ा ही हे बाकी है अभी, तो उसको भी हम लोग झाड़ रहे हैं, उसको भी साफ कर रहे हैं। तो आप देखो इतना ज़्यादा उसमें से डांस निकला है, वो फिर से आ गया है, वो बदमाश फिर से आके खाने लग गया है, बैठ के खा रहा है, अब खाना छोड़ के उधर जा रहा है। देखो आप क्या कह रहे हैं, मेरे पास आ रहा है, आ रहा है।
लगा के वो पीछे चला गया है, मेरे पीछे चला गया है। तो ऐसे ही करता है। आप भी आपके रैबिट के साथ ऐसे ही मज़े करो और उसको अच्छे अच्छे हे दो, अच्छे अच्छे से खाना दो, अच्छे से हे को और झाड़ के उसको दो। और ये देखो मेरे पीछे आके बैठा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय फ्रेंड्स।